मसीह विच यीशु मसीह विच मेरे प्राओ ते बिणो अते बिचियो सारियां नूं जय यीशु दी। 1531 विच मैक्सिको दे देश दे एक गुडालेपे पिंड है। गुडालेपे दे पिंड विच मामरियम ने अपनी आप नूं प्रगट कीता सी। ओह वी एक निम्र किसान नूं, उहदा उमर सी 57 उमर, अते उहदे नाम सी जुआन डियागो। ये जुआन डियागो रोज चर्च में जांदा सी। एक दिन चर्च विच जांदे समय उहनूं राग विच मामरियम ने प्रगट कीता। ये निम्र किसान नूं, गरीब किसान नूं ये पता नहीं सी ये मामरियम सी। उन्होंने एक सवाल रखिया, तुसी कौन? मामरियम ने यह उत्तर दिता, मैं सुरग दा कुवारी। अते ये गरीब किसान नूं ये आखिया, इत्थे एक चर्च बनाउणा है। उन्होंने डर गई, ये गरीब किसान दे नाल कोई पैसा नहीं हुंदा इन्ना वड्डा चर्च बनाउण लई। ओ किसान ने बिशप जी दे कोल उसी दिन गया चर्च दे बाद। अते बिशप जी ये सुन दे बाद उन्हां नूं ये आखिया, अगर तुसी वापस जांदे समय ये कुवारी नूं मिलदे तो तुसी एक निशानी मांगना है। जुआन डियागो ने इस तरह किया, उन्होंने डरदे हुए वो राह ते नहीं आए सी। और पासे राह ते वो घर नूं वापस आउंदे समय सुरग दे कुवारी दोबारा उन्हां दे विचार प्रगट किया। जुआन डियागो ने मामरियम नूं आखदा है, बिशप जी ने आ कि अगर चर्च बनाउणो ते एक निशान मंगा है। ओ कुवारी ने मामरियम ने जुआन डियागो नूं किसान नूं ये आखिया सी, ओ पहाड़ विच जा। उधरली देश दा किसान दा जो खेतीबाड़ी करदा उन्हां दे कपड़ा इस तरह हुंदा है, जदों आपां ठंड विच जो लोई पा के चलदा है उस तरह हुंदा सी। ओ भी एक ठंड दा मौसम सी, किते भी फूल नहीं भरता क्योंकि बर्फ सारे देश भर जाता सी, इसलिए कोई फूल उत्थे नहीं मिलता सी, कोई सब्जी नहीं मिलता सी, सारे सब कुछ बाहरों आना सी। मामरियम एक पहाड़ दिखा के ये जुआन डियागो नूं आखिया, तुसी ये पहाड़ विच जाओ। उन्होंने वो पहाड़ विच जाया, जदों पहाड़ पहुंच गया उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल वेखिया। वो गुलाब तोड़ के अपने लोई दे विच भर दिता, जैसे आपां खेतां विच जांदे सब्जी जो चुनी दे विच जां लोई दे विच भर जांदा, ऐसे उन्होंने ये फूल अपने लोई दे विच भरने के बाद बिशप जी दे कोल गया। अते बिशप जी नूं आखिया, मैनूं एक निशान मिला। की है निशान? बिशप जी ने पूछा। उन्होंने अपने गुलाब बिशप जी दे सामने उतरदे समय ये सुंदर गुलाब उतरदे समय उन्होंने ये लोई दे विच मामरियम दे एक पिक्चर उन्होंने दिखाई दिता सी। ये लोई इन्ना साल दे बाद भी हैगी। मेरे प्यारियो, क्यों मामरियम ये दुनिया दे विच बहुत जगह ते प्रगट करता है? लूर दे विच, फातिमा दे विच, नाइजीरिया विच, जैसे ये मैक्सिको दे विच मामरियम ने बगट बहुत बहुत जगह ते प्रगट किया सी। इहदा मतलब की हुंदा है? मामरियम ने क्यों प्रगट किया? इत्थे वेखो, जदों रोमिया दे पुस्तक विच उत्ते उसका 5 अते 19 आयत विच ये लिखा सी, पर जिते पाप दा वध होया उत्थे फजल दा वध उस तो भी वध हो गया है। इहदा अर्थ ये, जिते पाप वधों वध हुंदा उसके ज़्यादा बरकत हुंदा है, इसलिए मामरियम ने उत्थे प्रगट किया सी। मेरे प्यारियो, मैक्सिको दे देश विच गुडालेपे दे पिंड दे विच ये सारे लोग चंद्रमा दा आराधना करदा सी। चंद्रमा दे आराधना करदे हुए वो पिंड दे सारे लोग गुणा कीता सी। उत्थे मामरियम प्रगट करदे हुए ये आखदा है, इत्थे एक चर्च बनाउणा। मेरे प्यारियो, उधरली देश दा 80 लाख लोग, ध्यान रखना 80 लाख लोग अपने मना विच परिवर्तन कीता, अपनी जिंदगी बदल दिता। मेरे प्यारियो, ये प्रगटावा तो असी अपने मन विच एक शब्द एक गल्लां असी याद रखना, जिते असी रहिंदा अपने घर पवित्र नीये तो रोजरी हाथ में ले लो, जिते असी काम करदा है उते पवित्र नीये तो असी हाथ विच रोजरी लेना।
अगर अपनी जिंदगी पवित्र नहीं है तो असी हाथों में रोजरी लो, अपनी पढ़ाई दिक दे जिंदगी दे दुख तकलीफ दे विच कोई परेशानी है तो रोजरी चकना, अपनी परिवारिक जिंदगी दे विच प्यार नहीं है तो प्यार टूटा तो हाथ में रोजरी ले। रोजरी लेंदे हुए प्रार्थना करते हुए आप ये सब कुछ अपना सकता। यीशु मसीह कहते प्यार नाल सानू सब कुछ अपना सकता है। इसलिए मेरे प्यारियों रोजरी दे नाल असी मां मरियम दे नाम लेंदे हुए यीशु मसीह दे नाम लेंदे हुए असी अपनी जिंदगी नू उही राह ते जो यीशु मसीह कहिंदे सच्चे राह ते सच्चे चानण ते असी लेके आने के लिए कोशिश करिए। सारियां नू जय श्री।